हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास रेडमी का K50i डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास रेडमी का K50i डिवाइस है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में MI 15 का अपडेट आएगा, जो कि आपको पता है लिस्ट में आपका ऑलरेडी नाम आ चुका है। किसी किसी भाई का सवाल है कि हमें एंड्रॉइड का अपडेट आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गाइस, यहाँ पर इस वीडियो में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली बात करें, आपके में जो अभी अपडेट मिल चुका है रेडमी K50i में, न्यू अपडेट है वो कि सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है 14.0.4.0। हो सकता है किसी किसी भाई को नहीं मिला हो, जैसे ये पब्लिक तो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है बट अभी फुल्ली रोल आउट नहीं हुआ है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो एक दो दिन में आपके डिवाइस में ऑलरेडी आ जाएगा, फिर कभी भी नहीं जाएगा जब तक आप अपडेट नहीं कर लोगे। तो आप एक दो दिन का वेट कर सकते हो अगर नहीं मिला है। वैसे पब्लिक रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है एंड सितंबर का आपको सिक्योरिटी पैच मिल चुका है इसी मंथ का, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर आपने आपके पास Redmi का K50i डिवाइस है तो आपने इस फ़ोन को बहुत ही अच्छे से ले लिया है। हालांकि किसी किसी भाई ने नहीं लिया था, जो कि सोच रहे थे कि इसमें OLED पैनल नहीं है इतना मेगा फ़ोन होने के बावजूद, बट उन लोगों ने गलती कर दी। आपका एक बेहतर फ़ोन है, अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा रहा है एंड एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है, 5G है ऑलरेडी एंड आगे भी आपको अपडेट मिलेंगे। और गेमिंग फ़ोन है, यानी कि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है इसका एंड लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। तो आपने अच्छा फ़ोन लिया, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं होने वाला आपको। अब बात करें MIUI 15 की अपडेट की लिस्ट आई हुई है, जो कि Xiaomi, Redmi, Poco तीनों यहाँ पर डिवाइसेस की लिस्ट आई है। अगर आपके पास कोई अदर डिवाइस है, Xiaomi हो सकता है, Xiaomi का हो सकता है Redmi का कोई अदर मॉडल हो सकता है Poco का कोई मॉडल हो, तो आप जल्दी से जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप यहाँ पर लिस्ट में आप अपने मोबाइल का जो मॉडल है उसका नाम देख सकते हो। अगर है तो आप एलिजिबल हैं MI 15 के अपडेट के लिए। तो सिंपली जैसे आप आओगे Redmi की सीरीज़ में, यहाँ पर आप देख पाओगे आपका Redmi का K50i डिवाइस है कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो Redmi K50 Pro, K40s, K50, K50i, K50i Pro, यानी कि आपका डिवाइस K50i यहाँ पर ऑलरेडी आ जाता है। यानी कि आपको MI 15 का अपडेट है यहाँ पर बहुत ही जल्दी मिलेगा, जैसे इंडिया में रोल आउट होगा MIUI के अपडेट, उसके साथ आपको MI 15 का अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि आपका डिवाइस है वो एलिजिबल है MI 15 के लिए। सभी भाई के सवाल आ रहे थे कि हमें एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गाइस, बताना चाहूँगा, रेडमी के अंदर कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है तो कंपनी क्लेम करती है कि आपको दो मेजर अपडेट मिलेंगे, यानी कि दो एंड्रॉयड अपडेट से ही मेजर अपडेट कहते हैं, तीन साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। उस हिसाब से आपका जो डिवाइस है एंड्रॉयड 12 पे आया था, उसके बाद आपको एंड्रॉयड 13 मिल चुका है, एक और यहाँ पर एंड्रॉयड 14 का अपडेट है वो आपको मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर अपडेट से भी फ्यूचर प्रूफ है आपका मोबाइल, ऑलरेडी 5G है उससे भी फ्यूचर प्रूफ है एंड काफ़ी अच्छा मोबाइल है। प्रोसेसर के हिसाब से आप आगे जाके भी गेमिंग वगैरह कर पाओगे एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो आपने मोबाइल लेके कोई भी गलती नहीं की है, काफ़ी अच्छा डिवाइस आपने यहाँ पर परचेस किया है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ कन्फर्म कर दिया एंड आप MI 15 के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात, आपको एंड्रॉयड 14 का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपका डिवाइस एंड्रॉयड 12 पे आया था, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी लिस्ट आएगी एंड्रॉयड अपडेट की, वो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और YT चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो तो आपको मिलते ही रहेंगे। एक एंड्रॉयड अपडेट आने के बाद एक साल तक और सिक्योरिटी पैच अपडेट है आपको मिलते रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड आपके डिवाइस में आई होप कि 5G भी अच्छे से चल रहा होगा, हालांकि सभी जगह अभी 5G प्रोवाइड नहीं किया गया है। हमारे गांव में 5G आ गया है बट कभी कभी 4G पे ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि स्टेबल नहीं हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड जब भी आप कॉलिंग करते हो तो भी 4G पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपके डिवाइस में मोबाइल में कोई गलती नहीं है, किसी के में भी, जो अदर कंपनी के भी डिवाइस हैं उनमें भी ये स्थिति है, क्योंकि अभी 5G स्टेबल नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कॉलिंग के टाइम आपका डिवाइस है 4G पर स्विच हो जाता है। अगर आप कहीं 5G की एरिया में हैं फिर भी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड आपका फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है, कोई इशू होगा तो अपडेट के साथ उसे भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको आई होप सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए। रेडमी के K50i डिवाइस में MI 15 आपको अपडेट है, लिस्ट में नाम ऑलरेडी आ चुका है, एंड्रॉयड लिस्ट आएगी वो भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इन्फॉर्मेशन से पहले बताना चाहूँगा, आपको एंड्रॉयड 14 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपके डिवाइस में एक ही एंड्रॉयड अपडेट मिला है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि आपको दो अपडेट मिलेंगे। तो प्लीज़ वेट करो एंड अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। रेडमी के K50i डिवाइस में सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैंने बताया था सितंबर का, इसी मंथ का सिक्योरिटी पैच है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, जो कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल रहा है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ, ये भी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज हो जाती है। तो जल्दी से जाओ यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड YT चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में पसंद आए।